हे गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका मैं स्वागत करती हूँ मेरे शो द गहना शो में। हमने जो एपिसोड पिछली बार आधा छोड़ दिया था, अभी हम उसे कंटिन्यू करेंगे। सो फिर से आपका स्वागत है खुशी हमारे शो में। थैंक यू सो मच मैम, अगेन मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों, मैं खुशी से पूछ रही थी कि जो लोग पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं, वो कहते हैं यार गहना ये है वो है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या कहते हैं, पर आज तक वो आपसे जब भी मिले हैं उन्होंने आपको आज तक क्या काम दिया है और आपका रिएक्शन कैसा रहा मुझसे मिलने के बाद? काम तो कुछ नहीं दिया है, बड़ी बड़ी बातें फेंकी है खाली। हमारा ऐसा है, आप हमारे साथ आ गई, अभी तो पक्का आप आगे जाओगे, पक्का वहीं आगे नहीं बढ़े, वो मुझे क्या आगे बढ़ाएंगे। वो खुद कास्टिंग कर रहे हैं, वो खुद कोई हीरो नहीं बन पाए तो क्या मुझे बढ़ाएंगे। और मेरा तो एक्सपीरियंस मैम के साथ रह के बहुत ही अच्छा रहा। मुझे ऐसा लगा कि ऐसे बंदे की मुझे बहुत जरूरत, बंदी की मुझे बहुत जरूरत थी जो मुझे मिली, और मुझे लगता है करियर इनके हाथ में मेरा। मुझे ऐसा लगता है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। सच्ची प्रॉमिसिंग यू, हम लोगों ने दो फिल्में कर ली और ये हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, एंड सून हम लोग नेक्स्ट वीक में अगेन फिर से शूट कर रहे हैं, दो तीन सीरीज करेंगे और अच्छे से करेंगे। अच्छा खुशी, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जैसे भी तुमने जिस डायरेक्टर का नाम लिया, ले लो क्या नाम, ऐसे फर्स्ट नाम ले लो। चलो नाम समीर है, पूरा नाम नहीं ले रहे हैं। तो पता है ये समीर जो है बंदा, इसकी वाइफ मेरे सेट पे हेयर मेकअप किया करती थी। और ये जब मुझे पहली बार मिला तो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते हैं, वो बड़े पाव के भी लाएगा शायद, मुझे नहीं लगता। तो बातें हमें कॉफी नहीं पिलाई तो वड़ा पाव तो दूर की बात है। हाँ तो मैं ये कह रही हूँ, पता जब भी किसी ना फिल्म इंडस्ट्री वाले बंदे से मिलने जाओ ना, विद एनीवन, एनी डायरेक्टर, एनी प्रोड्यूसर, इवन अगर मुझसे भी मिलने आती हो ना कभी कॉफी शॉप पे, तो पहले आते से ही ना 5 मिनट के अंदर बोल देने का, मैम कॉफी पीनी है, या सर कॉफी पिला दो। तो अगर ऐसे दिखाए ना तो सब बोलने का, जो इंसान 200-250 की कॉफी नहीं पिला सकता वो क्या फिल्म बनाएगा। और ये वो लोग हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना मुझ पे केस हुआ, तो जिन फिल्मों को लेकर मुझ पे केस हुआ है ना, उन सेम फिल्मों में इसकी बीवी मेकअप किया करती थी। गॉड, और वो मुझे हीरोइन बताओ, बताओ भला बातें कैसे कर लेते हो यार, ये तुम्हारे लिए समीर। हाँ जरूर, यस यस। तो एक बात बताओ, जैसे आप कितने टाइम से हो खुशी इंडस्ट्री में? मुझे 1 ईयर हुआ है। 1 ईयर हो गया, और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मुझे गहना मैम के साथ ही हुआ है। मैंने ऑडिशंस भी इतने दूर दूर जाके दिए, लेकिन बताते हैं फ्रॉड है, आपको पैसे भरने पड़ेंगे इस कैरेक्टर के लिए, आपको पैसे पवन करके थे कोई, उन्होंने ऑडिशन लिया, वीडियो वगैरह सब बनाया इंट्रोडक्शन का, बाद में उनका रात को मैसेज आता है मैं आपको 75,000 देने पड़ेंगे। किस चीज के? लीड कैरेक्टर के लिए, आपको देवी बनाएंगे, आपको लीड कैरेक्टर देंगे। मैं मतलब पहली बार जिंदगी में काम कर रही हूँ, तुम 75,000 मुझसे मांग रहे हो, भाई तुम इतने भिखारी हो। मैं तो उसे यही क्वेश्चन आया मन में कि मैं दे के मारू मुंह पे, लेकिन मैं बोली भाई तू ये भी नहीं झेल पाएगा, तो ये वर्ड भी नहीं झेल पाएगा, तो दुकान बंद करके अपने गांव चला जाएगा। करेक्ट। सो दोस्तों, चूंकि मैं काफी सीनियर हूँ, आज मुझे 12 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में, तो मैं ज्ञान देना चाहूंगी जिसमें माहिर हूँ। अगर आपसे फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी पैसे मांगे, कोई भी पैसे मांगे, आपको पैसे नहीं देने हैं, आप यहाँ पे काम करने आए हैं, पैसे कमाने के लिए आए हैं, ठीक है? हो सकता है आप एसोसिएशन में कार्ड बना रहे हैं, उसके पैसे दे रहे हैं, वेल एंड गुड। आप किसी इंस्टीट्यूशन से कोर्स कर रहे हैं, दैट इज ओके। बट आपको कोई कैरेक्टर या रोल या लीड के लिए अगर कोई वादा करता है कि आप इतने पैसे दे दो हम आपको ये बना देंगे, सारी फेक बातें हैं। जो जेन्युइन लोग हैं वो पैसे नहीं लेते। रीजन ये है कि पर डे की शूटिंग में मिनिमम 5 से 10 लाख रुपए खर्च होते हैं, और अगर आप वो डिजर्व नहीं करते हैं तो मैं आपसे 75,000 रुपए लेके आपको लीड क्यों बना दूं? और अगर आप डिजर्व करते हैं तो मैं आपको पैसे दूंगी। तो ये सारी के सारी फेक बातें हैं, किसी को मत सुनिए, ऑडिशन दीजिए, ऑडिशन से काम होता है अच्छा, या तो मेरे जैसे लोग, यानी कि मैं तो ऑडिशन नहीं, ऑडिशन कुछ नहीं, डायरेक्ट सेट पर आओ, डायरेक्ट सेट पर आओ, सीएम डे पैसे लो। मैं पीडीसी भी नहीं देती, मैं बाद में पैसे देने का दावा भी नहीं करती कि 4 दिन बाद ले लो या कुछ करो, ऐसा करो कुछ भी नहीं। सेम डे पैसे लीजिए, काम करिए, आइए, एंड देन टाटा बाय बाय, फिर काम करेंगे सेम वे में। तुम्हें ऐसी खुशी, तुमने सुना, चूंकि तुम बहुत ज्यादा पुरानी नहीं हो, कि यहाँ पे 90 डेज में पेमेंट मिलती है, 120 डेज में, ऐसा कुछ सुना? नहीं, तो बहुत मैंने एक बार जूनियर आर्टिस्ट के लिए किया था। ओह शिट, अच्छा। क्योंकि भूत इतना चढ़ गया था कि मुझे था कि जाने तो करते हैं। एक दिन के लिए मैं गई थी,
पूरा एक डेढ़ हफ्ता उसने वो पैसे रोक के रखे। मैं बोली तू इतनी सी पेमेंट नहीं दे सकता, तू आगे कुछ काम किसी को कैसे देगा। और कितनी पेमेंट थी वो? 1000। उसने 1000 रुपए के लिए इतने दिन मुझे, फिर मैंने कभी जिंदगी में जूनियर आर्टिस्ट कभी नहीं करूँ। दोस्तों ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो जो बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, जो सीरियल वाले हैं, वो शायद 90 डेज 120 डेज में देते हैं, बट अपने कास्टिंग वाले से क्लियर रखो। बाकी जो वेब सीरीज होती हैं वो सेम डे पेमेंट होनी चाहिए। वो नहीं दे रहे हैं, कम टू मी, आई पे यू सेम डे। फर्स्ट टाइम था ना वो एक्सपीरियंस करने का, फिर वो एक्सपीरियंस इतना हो गया कि मुझे ऐसे लगा कि नहीं अभी नहीं करना ये काम, कुछ अच्छा करना है तो जूनियर मास्टर नहीं, बिल्कुल भी नहीं करूँगी, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, आप चूंकि 1 ईयर से हैं, आपसे कभी किसी ने कास्टिंग काउच ऐसी कोई बातें की, और जिन लोगों ने की होगी आपको कितने ज्यादा जेन्युइन लगे, कितने ज्यादा वो रिलायबल लगे? मुझे कोई जेन्युइन नहीं मिला आज तक, ऐसा को छोड़ के। आपको छोड़ के मुझे अभी तक कोई भी जेन्युइन नहीं मिला है। हाँ, जहाँ ऑडिशन दिए कॉम्प्रोमाइज तक की बात भी करते हैं लोग। अच्छा, और मेरी कुछ फ्रेंड ऐसे भी थी, मैं नाम नहीं लूंगी, बेचारियों ने कॉम्प्रोमाइज तक कर लिया लेकिन उनको काम नहीं दिया। कॉम्प्रोमाइज करके भी उनको बोल रहे थे कि आपको 12 भरने पड़ेंगे, आपको मैम इतने भरने पड़ेंगे जब जाके आपको काम मिलेगा। मैंने वहां से भी दिमाग लगाया कि इस इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज करके भी लड़के को काम नहीं, ये सारी फेक बातें हैं, फेक बातें हैं। सो दोस्तों मैं यहाँ पे भी एक बात कहना चाहूंगी कि सोकर काम नहीं मिलता, ये सब फेक बातें हैं, ये सब झूठी बातें हैं। क्योंकि अगर सोने से काम मिलता तो वो जो सिग्नल पे जो लड़कियां खड़ी होती शायद आज वो हीरोइन होती। आप में टैलेंट होना बहुत जरूरी है। अभी सपोज कोई 1 करोड़ की फिल्म बना रहा है, बहुत ही बेसिक अमाउंट के, मैं 5 करोड़ 50 करोड़ की बातें नहीं कर रही हूँ। अगर कोई आदमी 1 करोड़ रुपए की फिल्म बना रहा है और आप अगर उसके साथ सो गए हैं और उसके लिए वो आपको हीरोइन बना देगा, लॉजिक नहीं है। अगर किसी को सोना ही होगा तो 40-50 हज़ार या कुछ भी खर्च करके वो कर सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो सोना और काम करना दोनों ही अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले एक्टिंग सीखिए, प्रॉपर सही लोगों से मिलिए, आपको काम मिलेगा। सोने से किसी का भला नहीं हुआ है। हाँ, वो एक मन की बोलते ना चाहत पूरी करना, हाँ, बेवकूफ बनाना, बेवकूफ बनाना, अच्छी लड़कियों के साथ करना, देख लेते हैं ना वो भोली है, हाँ, काम की बहुत ज्यादा नीड है उसे, उसके साथ खेलते हैं। तो ये लोग स्टैंड क्यों नहीं लेते मुझे बताओ, जैसे इनके साथ हुआ, ये लोग पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जाते, ये केस क्यों नहीं करती लड़कियां? वो डर जाती होंगी कि दिखा देगा, बता देगा कि ये इसने मेरे साथ ऐसा किया है, लेकिन मैं तुम उसके साथ सोई हूँ, तुम हक से लड़ सकती हो उसके साथ, वो कि तुम्हारा घर का बंदा नहीं है, मेरे जैसे तो सूली पे चढ़ा दे। बिल्कुल, एक बात सोचो, जो आदमी सोने के लिए उसके पास गर्लफ्रेंड तक नहीं है वो तुम्हें हीरोइन कैसे बनाएगा? मतलब थोड़ा सा ब्रेन तो यूज करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप कभी किसी बड़े प्रोड्यूसर, बड़े डायरेक्टर, किसी बड़े कास्टिंग वाले को मिले हो जहाँ पे आप जाकर ऑडिशन दिया है कहीं? तो आप यहीं पे गलती कर रही हैं। बड़े खुशी आपके पास प्रॉपर लुक है, बिलीव मी, आप अपनी अच्छी पिक्चर्स लेके जाइए। जो जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, जो जेन्युइन डायरेक्टर्स हैं, जिनके पास जाके आप मिलो, वो आपको एक स्क्रिप्ट देंगे, वहाँ पे परफॉर्म करिए। वहाँ नहीं मिला तो कहीं और मिलेगा, लेकिन आपके ना स्क्रिप्ट पे ऑडिशन देने की आदत बन जाएगी। और बाकी मैं तो हूँ ही, वो मैं कर दूंगी। आप मेरे साथ अभी करिए 5-6 सीरीज, फिर बाकी लोगों के साथ भी आप करिए। आई एम श्योर, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हमारी सीरीज रिलीज होगी ना खुशी, विद इन अ मंथ आप महीने में कम से कम 20 दिन तो काम करोगे। प्रॉमिस। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। और अच्छा एक बात और बताओ मुझे, जैसे कि जो लड़कियां हैं, जो तुम्हें कई बार कहते होंगे कि यार हम सो गए हैं, हमें काम मिल जाएगा, वो लड़कियां कहाँ हैं आज? क्या उनको कोई प्रोजेक्ट मिला आज तक? नहीं मिला ना? वो आज भी जूनियर आर्टिस्ट में काम कर रहे हैं, उनको नहीं मिला। तो सी गाइस, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। यू नीड टू हैव टैलेंट एंड देन यू नीड टू हैव राइट पीपल अराउंड यू जो आपको काम दे सके। यार इतनी कुबत तो होगी काम दे सके, जो दे ही नहीं सकता उसको देकर क्या फायदा? पॉइंट। अच्छा उन्हें वो मुझे आके बोलती हैं कि तुझे मिल गया काम, मैं उनके चेहरे देख के मैं मना कर देती, नहीं मैं हाँ बोलूंगी तो उनको कहीं ना कहीं लगेगा ये काम कर रही है, मुझे नहीं मिला। वो बोलती है कि तुझे मिल गया काम, चल रहा है, तो बोलती यार मैं तो अभी
वापस अपने घर जा रही हूँ, या फिर बोलती हैं कि नहीं पापा ने मना कर दिया, ये सब घर में बता देती हैं वो ऐसी ऐसी बातें। लेकिन चलो जो झेल नहीं पाती वो घर में बता देती है, जो झेल लेती है वो बाहर के बाहर ही सुलटा देती है, घर तक भी नहीं आने देती। तो फिर वो बातें सुन के बोलती है मम्मी डैडी ने बुला लिया है घर, बोलते मत रो ऐसे शहर में, जो यहाँ पे काम करने के लिए पहले सोने बोलते हैं। तो यही प्रॉब्लम है पता है खुशी, ये शहर बुरा नहीं है पता है, बॉम्बे बहुत अच्छा है, बॉम्बे सबके लिए है, ये दुनिया की सबसे ज्यादा अच्छी जगह है। और मेरी मतलब मैं ना मुंबई के दिल से इज्जत करती हूँ, मैं पूजा करती हूँ शहर की, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, मैं जितनी भी हूँ, मैं नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी हूँ या मैं कुछ भी, मैं जितनी भी हूँ मुझे इसी शहर ने दिया है। सो दोस्तों अगर आपको चर्च गेट जाना है तो आपको चर्च गेट की ट्रेन में बैठना पड़ेगा, वसई की ट्रेन में बैठकर आप चर्च गेट नहीं पहुंच सकते, है ना। और दूसरी चीज आपने मान लीजिए अपनी फ्रिज खोली और आप वहां पे मटर ढूंढ रहे हैं मान लीजिए, और मटर वहां रखी नहीं है, तो आप एक ऐसी जगह पे वो चीज ढूंढ रहे हैं जो चीज वहां पे है ही नहीं, तो मिलेगी कैसे? आपको कुछ पाने के लिए उस चीज के पास वो होना जरूरी है। आपको काम वही दे सकता है जिसके पास काम होगा, जो खुद ही काम मांग रहा है वो काम कैसे देगा। जैसे अभी यू जस्ट टुक वन नेम समीर, यार वो बंदा मुझे दिन में 20 मैसेज करता है और फिर वो दुनिया को ज्ञान देता है। ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं यार। और दूसरी चीज, जो लोग ना दूसरों की सक्सेस से जलते हैं, ये वही लोग हैं जो खुद सक्सेस नहीं पा सकते। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, जैसे जब आपने 1 ईयर पहले स्टार्ट किया था तो आपने क्या सोचा था कि आप कहाँ तक पहुंचेंगे, और अभी आप 1 साल बाद अपनी जर्नी को कहाँ रेट करती हैं? आप अपने स्केल में आउट ऑफ 10 आपको कहाँ लगता है आप कहाँ तक पहुंच पाई हैं? अभी तो मैं खाली पहली सीढ़ी पे चढ़ पाई हूँ, अभी तो बहुत आगे जाना है। गुड, यू आर रियल। मेरी मम्मा मुझे कहती है जो तू कर रही है मुझे ऐसा लगता है तू बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि तू किसी की सुन नहीं रही है। और जो नहीं सुनते वो बहुत यस, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। मेरा भाई मुझे छेड़ता है, चल तुझे तो एक्टिंग नहीं आती, और जब मैं करती हूँ ना तो ऐसे करेगा, अच्छे कांटेक्ट बना ले तो बहुत आगे तक जाएगी। नो यू आर अ गुड एक्ट्रेस, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा तो अभी हम ये लास्ट सेगमेंट रखते हैं, जो भी तुम्हारे दोस्त हैं, जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, जो तुम शुरू की थी, जो तुमसे जलते थे या जो तुम्हें अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, उन्हें तुम क्या बोलना चाहोगी, और जो भी तुम्हारे फैन हैं उन्हें तुम क्या बताना चाहोगी? फैन से मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसे ही प्यार करो मुझे और मैं आगे तक जाऊं। और फ्रेंड्स तो मेरा कोई नहीं है, जेलस करने वाले बहुत है, तो मैं उनसे यही कहूंगी कि जेलसी बनाए रखना, मैं आगे फिर मिलूंगी। यस yes, और आप अपने इंस्टा हैंडल बता दीजिए ताकि लोग फॉलो कर सकें। हाँ, मेरी इंस्टा आईडी है khush3108। सो दोस्तों ये थी खुशी, इनसे बात करके, इनसे मुलाकात करके और इनके साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया है। और इवन अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू हर, रिलेटेड टू माय शो, आप मुझे लिख सकते हैं। और अगर आप में एक्चुअली दम है कि आप एक एक्टर बन सकते हैं तो मुझे लिख भेजिए, हम जरूर काम करेंगे, बट गलत लोगों के चक्कर में मत पड़िए। सो थैंक यू खुशी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू गाइज, बाय बाय।